आज हम बनाएंगे संध्या एंड रसोई में पालक के पकोड़े। आइए इसकी हम रेसिपी देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आज हमारी रेसिपी है पालक के पकोड़े। ये मानसून में, विंटर में कभी भी बनाकर खाइए, नाश्ते में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। भारत के हर कोने में पालक के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, टमाटर के पकोड़े बना करके खाए जाते हैं। सब अपनी अपनी स्टाइल में बनाते। आज हम बना रहे हैं मुंबई स्टाइल में, जो मुंबई की चौपाटी पर बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, और जो मार्केट में बिकते हैं वो वाले हम बना रहे हैं। आप चाहें तो इनको पाव के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं नाश्ते में। तो आइए हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सामग्री ली है। हमने ये पालक को धोया बहुत अच्छे से, इसके डंठल साफ़ किए, ये पत्ते पत्ते हमने ले लिए, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और ये हमने लगभग 200 ग्राम बेसन लिया है और अजवाइन ली है, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है पकोड़े में। हींग लिए है हमने, नमक लिया है, हरी मिर्ची, और ये अदरक पिसा हुआ हमने लिया है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने पालक को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम भजिया बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, अभी हम आधा बेसन डालेंगे और इसको मिलाएंगे। अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमने हाथों को अच्छी तरह से धोया, साफ किया, उसके बाद हम हाथ से ही इसको अच्छी तरह से गूंथेंगे। अभी इसमें हम और बेसन डालेंगे। हमारा पूरा बेसन डल गया है, इसको अच्छी तरह से हम गूंथ लेंगे इस तरह से। ये पालक को हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए आप, एक चुटकी ये मीठा सोडा, बहुत ही कम डाला है हमने। और ये डाल देंगे हम, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम नमक, हमने लिया है एक चम्मच नमक। और इसमें ये अजवाइन जो हमने क्रश करके लिए, ये पेट के लिए बहुत ज़रूरी है भजिए में, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं इससे भजिए। और ये एक चुटकी हमने हींग डाल दी है, ये भी बहुत ज़रूरी है पेट के लिए। और ये लिए हमने कटी हुई मिर्ची, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये लिया है हमने अदरक। अब इन चीज़ों को हम मिला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम दो चम्मच पानी और डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घोल हमारा तैयार है। हम इस तरह से इतने बड़े बड़े पकोड़े डालेंगे। चलते हैं हम तेल गरम करने के लिए। कढ़ाई हमारी तेज गरम हो गई है, हम इतने बड़े बड़े पकोड़े डाल देंगे। कढ़ाई एक बार तेज करने के बाद हमें इसे कम कर देना है, नहीं तो ये भजिया एकदम से डार्क कलर के हो जाएंगे। इस तरह से हम भजिया डाल लेंगे। हमने गोल गोल भजिए डाल दिए हैं। हम इन पकौड़े को एक एक करके पलट देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़े की। घर में कोई भी मेहमान आए, हम तुरंत बना करके नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता सभी को पसंद आता है, बहुत मेहमान खुश हो जाते हैं भजिए खा करके। बहुत अच्छे भजिए बने हैं हमारे। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। इस तरह से पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कितने कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये बचे हुए घोल के भी सारे पकोड़े बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये पकोड़े का बेज भी हम निकाल लेते हैं। पकोड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। सभी पकोड़े हमने इस तरह से, इस कलर में इनको तल लिया है। अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अगर आपको पकोड़े की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, बनाए होंगे, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे बने आपके पकोड़े। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से, एकदम से ये
इस तरह से ड्राई है, कोई तेल नहीं पिया है हमने, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।